एक्ट्रेस रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन के अफेयर से जुड़े किस्से सालों बाद भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों भले ही एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी न कभी ऐसी बात हो जाती है जिसके चलते दोनों से जुड़ी खबरें सुर्खियां बन जाती है। इस इवेंट में भी रेखा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 2019 के कैलेंडर लॉन्च के एक इवेंट में जहां रेखा पहुंची हुई थी, वहां कुछ पैपराजी और कैमरामैन रेखा की तस्वीर खींच रहे थे। तभी एक मौजूदा कैमरा पर्सन ने जैसे ही उन्हें दाएं बाएं होने के लिए कहा, उन्हें तो थोड़ा शक करने लगी। उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा, जैसे ही रेखा पीछे मुड़ी वो वहां से भाग गई। दरअसल बैकग्राउंड में कई अभिनेताओं की तस्वीरें लगी थी, जिनमें से अमिताभ बच्चन भी एक थे। रेखा पोज देने के लिए खड़ी हुई थी, मगर वो जाने अनजाने अमिताभ बच्चन के कैलेंडर पोस्टर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे ही रेखा ने पलट कर देखा, वह वहां से हट गई। उस वक्त जो रेखा का रिएक्शन था, उसने सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियां बटोरी। उनके इस रिएक्शन से सभी हंस पड़े थे। रेखा बेशक अब फिल्मों में कम ही दिखती है, मगर उनके अक्सर फिल्मों से जुड़े खास मौकों पर देखा जा सकता है। डब्बू रत्नानी कैलेंडर लॉन्च के मौके पर रेखा शानदार अंदाज में नजर आई। इस दौरान रेखा ने ब्लैक ड्रेस पहन रखा था, जो उन पर काफी जच रही थी। रेखा के फैंस की कतार आज भी उतनी ही है जितनी पहले हुआ करती थी। आज भी लोग उनकी एक्टिंग और खूबसूरती को सराहते हैं। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।